चलिए बात के लेक्चर का रिवीजन वीडियो। पिछली बार हमने नाइट्रेशन रिएक्शन में नाइट्रेटिंग रिएजेंट सारे देख लिए थे। अब हमको नाइट्रेशन रिएक्शन देखनी है, इसके ऊपर नाइट्रोज ओवर फिनॉल एंड एनिलीन। तो कौन सी चीज़ होती है? फिनॉल का जो अपन नाइट्रेशन करवाएंगे डायल्यूट HNO3 से, तो क्या होता है, ये हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के साथ क्या बनता है, इट नाइट्रो प्रोडक्ट भी मिलता है। तो डायल्यूट HNO3 के साथ क्या मिलेगा, इट इज ऑर्थोन पैरा नाइट्रो फिनॉल का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, इसमें हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि जो मिक्सचर होगा इसका सेपरेशन किससे करवाएंगे, दैट इज बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, सब्सटेंसेज विच आर वाटर इनसोल्यूबल एंड आर स्टीम वोलेटाइल, उनको किससे स्टीम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, इट इज वाटर इनसोल्यूबल एंड स्टीम वोलेटाइल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको हम क्या कर पाएंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल से स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ इट इज, यदि नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम फिनॉल को डालेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, बट कौन सी चीज़ें, यहाँ पर NO2 पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रेशन जो होता है वो पॉलीनाइट्रेशन हो जाता है। दोनों ही जगहों पर क्या रहेगा, इट इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होते हैं इनकी वजह से क्या हो जाएगा, इट इज मोनोनाइट्रेशन होता है, पॉलीनाइट्रेशन ये यहाँ पर कम होती है। पिक्रिक एसिड जो बना है यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NaHCO3 में से CO2 उड़ा सकता है। इसके बाद एनिलीन पर जो हम क्या डालेंगे, तो HNO3H2O4 288 कैल्विन, NCERT के हिसाब से लिखा है बेटा डेटा। तो इसमें पैरा नाइट्रो एनिलीन बनता है 51%, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनेगा 41%, और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता है 2%। कौन सी चीज़ होती है, एनिलीन जो होती है इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन होकर NH3 पॉजिटिव बनता है। NH3 पॉजिटिव क्या होता है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो हम बोलेंगे एनिलीन पर जो रिएक्शन होगी मेनली पैरा पर, बहुत थोड़ी सी ऑर्थो पर हो जाती है। इस पर जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी सी किस पर होगी, दैट इज पैरा, और मैक्सिमम कहाँ हो जाती है, दैट इज एट मेटा। ठीक है, तो मेटा प्रोडक्ट यहाँ सिग्निफिकेंटली मिल जाता है, इसकी वजह क्या होती है, सर NH3 पॉजिटिव का यहाँ पर बनना, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं अगली वाली, तो हम बोलेंगे हमको एनिलीन का क्या करवाना है, एनिलीन में बेटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और ज़्यादा हो जाता है फिनॉल से भी, है ना। एनिलीन का यदि हमको मोनोनाइट्रेशन करवाना है तो पहले इसके रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, CH3COCl, या फिर किसके साथ, दैट इज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इन पर क्या हो जाएगा, एनिलीन न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन करके क्या बना देती है, दैट इज एसिटानिलाइड बनवा देती है। ठीक है, एसिटानिलाइड जो होता है इस पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज एसिटानिलाइड पर, अब डायल्यूट HNO3 से जो हम रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्थो एंड पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड जो है इनका जो अपन एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ऑर्थो एंड पैरानाइट्रो एनिलीन साथ में एसिडिक एसिड अगेन में न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो एनिलीन का हम क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन। तो हम बोलेंगे एनिलीन को नाइट्रेशन करवाने के पहले प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कौन सी चीज़ होती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। तो एनिलीन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बिफोर सब्जेक्टिंग इट टू नाइट्रेशन, दैट इज फॉर इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय X। हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है इसमें क्या हो जाएगा, हैलोजन प्लस NHCl3 या फिर आयरन, है ना। और किसमें, डार्क कंडीशंस में होती है रिएक्शन इसेंशियली, क्योंकि लाइट में तो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फ्लोरिनेशन आयोडिनेशन डायरेक्टली नहीं होता, फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक, और आयोडिनेशन क्या रहेगा, दैट इज रिवर्सिबल। आयोडिनेशन को सक्सेसफुल बनवाना है तो क्या करना पड़ता है, तो हम बोलेंगे आयोडिनेशन को सक्सेसफुल बनवाने के लिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करवाते हैं, जो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, आयोडीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़वा देता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन सी वाली चीज होती है, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन डायरेक्टली हो जाएगा। आयरन जब लेते हैं तो X2 मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके FeCl3 FeBr3 बनवाएगा, जो क्या होता है, लेविस एसिड। तो हैलोजन के लेविस एसिड से रिएक्शन होकर डायपोलर आयन बनता है, जिसके टूटने से X पॉजिटिव बनेगा, जो क्या होता है, इट इज रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसके बाद सेकेंड रिएजेंट हम कौन सा ले सकते हैं, इट इज हाइपोहैलस एसिड पर H पॉजिटिव, जो इसको प्रोटोनेट करके वाटर हटाएगा और क्या बन जाता है, X पॉजिटिव बन जाता है। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ है, जो मॉडरेटली एक्टिवेटेड टू एक्टिवेटेड बेंजीन्स होती हैं उन पर हैलोजिनेशन इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी हो सकता है, IF, ICl, BrCl इन सभी से। इसमें जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है, दैट फंक्शन है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब बेंजीन पर क्लोरीन ब्रोमीन आयरन और किसके साथ, इट इज आयरन या AlCl3 या कोई भी और लेविस एसिड, जिससे डार्क कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे तो इस नॉर्मल मैकेनिज्म से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिनॉल या एनिलीन पर जो हम ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी चीज़ है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल या एनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, क्या हो जाएगा, पॉली हैलोजिनेशन हो जाता है। लेविस एसिड लिया तो भी यही करना है, क्वेश्चन में ब्रोमीन के साथ NKOH, NaHCO3, Na2CO3 दिया है तो भी यही करना है।
इसके बाद क्या होता है फिनॉल या एनिलीन में यदि ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर SO3COOH या NO2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ब्रोमीन वाटर ट्रीटमेंट पर क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोम फिनॉल या एनिलीन का ही प्रेसिपिटेट मिलता है मतलब ये वाले जो सारे ग्रुप्स होते हैं ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाते हैं। इसके बाद फिनॉल के लिए आपको क्या करवाना है इट इज मोनोहैलोजनेशन करवाना है तो इसके लिए क्या लेते हैं तो बोलेंगे इट इज ब्रोमीन साथ में CH2 या CCl4 टेम्परेचर क्या रखते हैं 0°C कौन सी वाली चीज हो जाएगी तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर जिसमें डोमिनेंट कौन होता है इट इज पैरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्शन में मोनोब्रोमिनेशन की वजह क्या होती है हम बोलेंगे फिनॉल एसिड वाटर में आयनाइज होकर वो ओ नेगेटिव बना लेता है जिसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा वाटर में रिएक्शन पॉलीहैलोजनेशन हो जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ फिनॉल का आयनाइजेशन इनटू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है यहाँ पे कौन सी चीज रिएक्शन मोनोब्रोमिनेशन पर रुक गई वजह क्या थी तो हम बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं CH2 या CCl4 जिसमें फिनॉल का आयनाइजेशन नहीं होता। दूसरा क्या है मैकेनिज्म आयनिक है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का तो नॉन पोलर मीडियम उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर भी नहीं पाता और टेम्परेचर भी हमने 0°C कर दिया है तो रिएक्शन इन वजहों से कहाँ ही रुक जाती है दैट इज एट मोनोहैलोजनेशन। ठीक है एनिलीन का जो हमको क्या करवाना है मोनोहैलोजनेशन तो इसके लिए एनिलीन को अपन पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं एसिटाइलक्लोराइड में जैसा हमने यहाँ किया था एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन से इसके बाद फिर इस पर जब ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या बन जाता है इट इज ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमो एसिटाइलक्लोराइड इसका मिक्सचर मिल जाएगा जिसमें पैरा प्रोडक्ट डोमिनेंट होता है हमको अमाइड को एनिलीन NH2 में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो वह न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन हमको क्या मिल जाता है ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमो एनिलीन इसका मिक्सचर मिल जाता है विद द डोमिनेंस ऑफ व्हाट दैट पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है